Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्ण। सो आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा करना शुरू करेंगे। पहले जो दो भाग बड़े हैं वो निकल गए। सो हम देखते हैं पहले 6 अध्यायों में, पहले अध्यायों में भगवान योग और आत्मा के बारे में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। उसके बाद योग की 4 पद्धतियां कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति, इनके बारे में अर्जुन को बताते हैं। लेकिन केवल भक्ति के बारे में जानना इतना काफी है क्या? नहीं। हालांकि हम सब आत्मा हैं, लेकिन अभी इस भौतिक जगत में मैटर या प्रकृति के साथ में जूझ रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जूझने के लिए आपको प्रकृति को जानना भी पड़ेगा। इसीलिए अब भगवान आने वाले 6 अध्यायों में हमें प्रकृति के बारे में बता दें, खास करके 5 अध्यायों में। 18वें अध्याय में भगवान सारी चीजों को समराइज करेंगे और फाइनल कंक्लूजन देंगे। सो ये जो 5 अध्याय हैं, 13, 14, 15, 16, 17, इन 5 अध्यायों में भगवान इस भौतिक प्रकृति के बारे में बताएंगे। सो इट इज लाइक हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, इज लाइक अ किंग नोज हाउ टू गवर्न प्रॉपरली। एक राजा अच्छे से राज्य करना जानता है, दैट इज लाइक हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। लेकिन केवल अच्छा राजा होना मतलब आपका गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं। शत्रुओं से आपको अपनी सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा करनी भी आनी चाहिए। तो शत्रु कौन है, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, अगर उनके साथ मुझे युद्ध करना पड़े तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। सो फॉर अ किंग एज इंपॉर्टेंस इज गुड गवर्नेंस, दैट इंपॉर्टेंस इज टू बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, क्योंकि इनएविटेबिलिटी कभी भी आ सकती है। उसी प्रकार से हमारे लिए केवल योग नहीं, योग ठीक है, लेकिन योग किस अवस्था में हम अभी कर रहे हैं? योग हम अभी बद्ध अवस्था में कर रहे हैं। बद्ध कहाँ है? बहुत बद्ध प्रकृति में है। तो इस प्रकृति को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आने वाले श्लोक जो हैं, वो प्रकृति से डील करते हैं। सो दिस इज हाउ द 13th चैप्टर बिगिंस। So 13th chapter we have, क्या क्या है? जैसे हमेशा से हम देखते हैं, हम अध्याय को भागों में विभाजित करके एक एक भाग के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो ये भी अध्याय 6 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग जो है वो अर्जुन के प्रश्न है। अर्जुन 6 चीजों के बारे में प्रश्न करते हैं और उन 6 चीजों के उत्तर में भगवान बाकी के 5 भाग बोलते हैं। सो प्रथम भाग है अर्जुन का प्रश्न, दूसरा भाग है श्लोक क्रमांक 2 से 7, जहां पर भगवान 3 चीजों के बारे में कहते हैं। अर्जुन के जो 6 प्रश्न हैं, उनमें से 3 चीजों के बारे में, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, इसके बारे में यहां पे बताते हैं। फिर ज्ञान के बारे में डिटेल, ये है 8 to 19, अगले 2 भाग 8 to 12 और 13 to 19, ये है 2 भाग ज्ञान के बारे में। फिर जो बाकी के 3 है, प्रकृति, पुरुष और उनका समागम, सो 6 प्रश्न है, उनमें से 3 चीजों के बारे। सो 6 प्रश्न क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान
प्रकृति, पुरुष और उनका संगम। सो पहली चीज के बारे में श्लोक क्रमांक 8 से 19 और दूसरी चीज के बारे में श्लोक क्रमांक 20 से लेके 26 तक। और फिर अब तक जो बोला गया है फ्रॉम 2 to 26, श्लोका नंबर 2 से 26 तक जो कुछ भी बोला गया उसको फिर से समराइज करते हैं भगवान श्लोका 27 to 35। सो दिस इज द फ्लो ऑफ द 13th चैप्टर। सो क्या है अर्जुन के 6 प्रश्न? अर्जुन कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। सो मैं प्रकृति के बारे में, पुरुष अर्थात उस प्रकृति के स्वामी के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी जगह, क्षेत्रज्ञ अर्थात जो उस जगह को जानता है, एतद् वेदितुमिच्छामि, और फिर न्यायम ज्ञानम ज्ञेयम। ज्ञान क्या है? ज्ञेय, जानने लायक क्या है। सो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। सो अब भगवान आंसर करना शुरू कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। सो यह जो शरीर है, नाउ इंसिडेंटली यू सी, शुरुआत होती है प्रकृति पुरुष, लेकिन भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बाद में बताएंगे, पहले भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे। सो भगवान पहले क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं। सो यह शरीर जो है यह क्षेत्र है, इट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। इस शरीर के कारण ही हम कर्मों में कर्म करते हैं और पिछले कर्मों को भोगते हैं। सो जैसे मैंने अपना एक प्लॉट लिया तो वो प्लॉट मेरा क्षेत्र है, उसमें मैं जैसे घर बनाऊंगा, डिजाइन बनाऊंगा, जैसे एक मंजिला दो मंजिला, उसमें जितने बेडरूम्स, जहां पर भी मुझे जो भी प्लेस करना है, उसका रंग रंगोटी जो भी मुझे करना है, वो सब आई एम द मास्टर ऑफ इट। सो क्षेत्र यानी आपकी मालिकियत की जमीन या भाग जो आपको दिया गया है, उसी प्रकार अपने अपने पिछले कर्मों के हिसाब से मुझे ये शरीर क्षेत्र के रूप में दिया गया है। इस शरीर के साथ मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो मेरे ऊपर है। सो क्षेत्र इज द बॉडी। सो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। एतद यो वेत्ति, जो भी इस क्षेत्र को जानता है, कौन है जो इस क्षेत्र को जानता है? इस क्षेत्र को जानने वाला है या जानने वाली है आत्मा। तो आत्मा है क्षेत्रज्ञ और शरीर है क्षेत्र। आत्मा इस शरीर को कैसे जानती है? आत्मा इस शरीर को चेतना के माध्यम से जानती है। सो आत्मा इज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, और वो हृदय 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 के इर्द गिर्द रहती है। yes. लेकिन उस आत्मा की शक्ति, जैसे सूर्य कहीं तो है, लेकिन उसकी शक्ति उसकी किरणों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करती है, उसी प्रकार से ये आत्मा चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को व्याप्त करती है। सो एतद यो वेत्ति, इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, विच मीन्स द सोल और आत्मा। फिर भगवान कहते हैं, आप तो अपने अपने क्षेत्र के मालिक हो। एवरीवन नोज देयर बॉडी एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी। हर कोई अपने अपने शरीर को जानते हैं
और अपने अपने शरीर में उनकी चेतना कार्यरत है, दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं है। यस, या किसी और जगह अभी स्वीडन में या अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे जीवों के अंदर जो सब कुछ जानता है वो मैं। सो अब हम देखें यहां पे हम दो क्षेत्रज्ञों की बात कर रहे हैं। सो क्षेत्र यानी शरीर, इस शरीर को जानने वाली आत्मा, लेकिन ये आत्मा केवल एक ही शरीर को जानती है, मैं केवल मेरे शरीर को जानता हूं, आपके शरीर में क्या चल रहा है। वेरी गुड, प्लीज एवरीवन म्यूट देमसेल्व्स। तो यह शरीर, इस शरीर को जानने वाली आत्मा और सारे शरीरों को जानने वाली एक परम आत्मा। सो इस शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक तो इंडिविजुअल सोल और दूसरा सुपर सोल। आई होप दिस इज क्लियर। सो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर जो है क्षेत्र है। एतद् यो वेत्ति, जो इस शरीर को जानता है अर्थात आत्मा, क्षेत्रज्ञ तद्विद, वो क्षेत्रज्ञ है। सो आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन ये आत्मा केवल इसी शरीर को जानती है, वो आत्मा जो सारे शरीरों को जानती है भगवान कहते हैं वो मैं। सो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, आई नो वॉट इज हैपनिंग इनसाइड ऑल द बॉडीज, ऑल द जीवस। Yes. So, भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम वर्तमानम। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यही एक्चुअल ज्ञान है। सो क्षेत्र क्या है? बॉडी। यस, सो व्हेन आई से बॉडी, माय बॉडी, यस, ये जो शरीर दिख रहा है। लेकिन भगवान के लिए उनका क्षेत्र क्या है? भगवान के लिए उनका क्षेत्र संपूर्ण चराचर सृष्टि है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत सब कुछ, ये भगवान के लिए उनका क्षेत्र है। हमारे लिए मेरा क्षेत्र है मेरा शरीर, क्योंकि भगवान सारे जीवों में है और भगवान सृष्टि के कण कण में भी है। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमह भजा। सो भगवान हर क्षेत्र में है, भगवान हर जगह के क्षेत्र में है। सो नोइंग मैटर क्षेत्र, नोइंग स्पिरिट आत्मा, एंड नोइंग द कंट्रोलर ऑफ बोथ परमात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्रज्ञ अर्थात दो क्षेत्र हो गए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम्। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, सो शरीर और शरीर के अंदर क्षेत्रज्ञ, जो दो क्षेत्रज्ञ है, एक आत्मा एक परमात्मा, और उस परमात्मा के लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनका क्षेत्र है। सो नोइंग मैटर, नोइंग स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, दिस इज कॉल्ड ज्ञान अकॉर्डिंग टू कृष्णा इन 13.3। सो तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मिश्रण। तत्क्षेत्रम यत्, वो क्षेत्र क्या है? हम जो अभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, सो हमने देखा हमारे लिए क्षेत्र ये शरीर है, ये शरीर भी फिर कैसे बना है? यच्च, व्हाट एग्जैक्टली इज द क्षेत्र? यादृच, व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ? यादृक कैसा है वो, क्या है, कैसा है? यद विकारी, किसके द्वारा ये क्षेत्र अफेक्ट होता है? यद विकारी,
यतश्च कहां जाएगा, अल्टीमेटली इसका क्या होगा? यस, सच यो यत प्रभावश्च, और ये शरीर या ये क्षेत्र किन चीजों को प्रभावित करता है? यस, तत्समासेन, सो ये क्षेत्र क्या है, कैसा है, किसके द्वारा अफेक्ट होता है, इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन या गोल क्या है, और ये शरीर इन टर्न किन चीजों को अफेक्ट करता है, तत् समासेन मिश्रण। यस, तो ये मुझसे आप पूरी तरह से जानिए, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। सो यत च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत यत प्रभावश्चैव, एंड वी आर सीइंग वेयर ऑल कृष्णा विल एक्सप्लेन दिस। 13.6 कृष्णा विल एक्सप्लेन अबाउट यत, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्षेत्र। फिर यादृक कैसा है, क्वालिटीज ऑफ द बॉडी एक्सप्लेन इन 13.7। फिर यद विकारी कैसे ये अफेक्ट होता है, व्हाट अफेक्ट्स इट इज 13.7 एंड 13.20। फिर यतः कहां से आता है, 13.6, 13.21, 13.22, 13.30, एंड फिर स्वरूप यतश्च यत, आइडेंटिटी ऑफ द नोअर ऑफ द बॉडी, दैट इज 13.14, 15, 16, 17, 18, और फिर 13.23, एंड फिर यत प्रभाव, हाउ डज दिस क्षेत्र अफेक्ट अदर थिंग्स, दैट इज 13.14 to 18। सो भगवान कहते हैं कि इस सब के बारे में, यस, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो भगवान ने चौथे अध्याय में बताया, चौथे श्लोक में कहा कि मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा, सो भगवान कहते हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधाई पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। सो बहुत सारे ऋषियों ने इस शरीर आत्मा उनके कंट्रोलर के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार से रचनाएं की हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम, मैनी ग्रेट सेंट्स हैव रिटन मैनी थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स। छंदो भीर विविध ही पृथक, अलग अलग छंदों में, अलग अलग मीटर्स में, अलग अलग कॉम्पोजिशंस में इनके बारे में अलग अलग ऋषियों ने अपने मत दिए हैं। ब्रह्म सूत्र पदेश चैव, ब्रह्म सूत्रों में भी इनका जिक्र किया जाता है। Yes. So, इसके बारे में आप सुनिए। सो नाउ कृष्णा टॉक्स अबाउट यत। यस, सो वी सी हियर 13.6 एंड 17। सो यत च एंड यादृक् च, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। व्हाट एग्जैक्टली ये शरीर क्या है और शरीर के गुण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Before that, let me ask anyone any questions. These are all technical things. Is everyone okay till now? Either put it in chat box or you can. ये थोड़े technical चीजें हैं, हम जैसे जा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? Are you able to understand? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Till now it's okay, na? Okay. So, Mahabhutani Ahankaro Buddhir Avyaptamevacha. इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुख दुःखं संघातश चेतना धृति एतद् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। सो महाभूत, महाभूत यानी पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, महाभूतानी
फिर अहंकार, यस, आर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, अहंकार, बुद्धि, यस, अव्यक्त, अभी सब कुछ व्यक्त है, व्यक्त मीन्स मैनिफेस्टेड, सब कुछ चलायमान है, सब कुछ दिख रहा है, अव्यक्त मीन्स जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मा जी की जीवन अवधि समाप्त हो जाती है, तो जैसे जब मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर, मेरी आत्मा या मैं जब इस शरीर को, मेरे शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे, तो ये शरीर विलीन हो जाएगा। सो अभी ये पंच महाभूतों का शरीर व्यक्त है, लेकिन जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा, वैसे ये अव्यक्त हो जाएगा, सड़ जाएगा, बांस मारेगा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा और फिर से पंच महाभूतों में मिल जाएगा। वैसे जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी का शरीर अंत होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड, यस, भगवान महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं। सो बुद्धि अव्यक्त, अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्ट। इंद्रियाणि दशैकं च, दश इंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, आईज, इयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, पांच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, जिह्वा, गुदद्वार और शीश। सो पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रियाणि दशैकं, पंच इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय बाह्य महाभूतों से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, दैट इज इंद्रिय गोचर, हाउ डू सेंसेस इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। इंद्रिय बाह्य जगत से पांच माध्यमों से कनेक्ट करते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। सो शब्द ये है इंद्रिय गोचर या द कनेक्टिंग लिंक फॉर ईयर्स, शब्द हम सुनते हैं। रूप इज द कनेक्टिंग लिंक फॉर आईज, फॉर्म। रस इज द कनेक्टिंग लिंक फॉर टंग, वी टेस्ट डिफरेंट रसास, स्वीट, सौर, बिटर एक्सेट्रा। शब्द, रूप, रस, गंध, कनेक्टिंग लिंक फॉर नोज, नाक के लिए, yes. और स्पर्श, कनेक्टिंग लिंक फॉर बॉडी। सो इंद्रिय गोचरा, इसे टेक्निकली तन्मात्र कहते हैं। सो पांच तन्मात्र हैं। तन्मात्र मींस जो तन को या शरीर को बाह्य चीजों से जोड़ते हैं, ये बैलेंसिंग, ये मात्र जो करते हैं वो तन्मात्र, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। फिर इसको छोड़ करके इच्छा, द्वेष, सुख दुख। सो यत च, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बॉडी, दिस बॉडी और द एंटायर मटेरियल क्रिएशन इज मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। ये संपूर्ण शरीर या संपूर्ण सृष्टि, भौतिक सृष्टि की बात कर रहे हैं, भौतिक सृष्टि, ये महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दश इंद्रिया और पंच तन्मात्र, इन सब से या तो ये शरीर ले लीजिए या फिर संपूर्ण चराचर सृष्टि ले लीजिए, भौतिक सृष्टि इनसे बनी है। फिर यादृक च, कैसी है ये, कैसी, इसके अंदर इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, इन सब का एक एग्रीगेट है, चेतना है, धृति, धृति मीन्स डिटर्मिनेशन, एतत् क्षेत्रज्ञं समासेन सविकारम उदाहरणम्, इन सब से ये जो शरीर है, तो शरीर बना है श्लोक नंबर 6 के कंपोनेंट से और वो इफेक्ट होता है श्लोक नंबर 7 के कंपोनेंट से। yes. शरीर बना है श्लोक नंबर 6 के विषयों से और श्लोक नंबर 7 के जो विषय है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, उनका एग्रीगेट, चेतना, डिटर्मिनेशन, ये सब इस शरीर को इफेक्ट करता है। yes. फिर ध्यान, yes. So, हमने यहां पे देखा कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और फिर ध्यान, yes. So, ये हम देखेंगे अब। So, भगवान कहते हैं कि ध्यान के 22 अंग हैं,
20 सो 20 अंग है। कौन से हैं ये अंग ज्ञान के? सो अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहम। यस, ह्यूमिलिटी, राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, सर्विंग सुपीरियर्स विदाउट मोटिवेशन, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, स्टेडीनेस, यस टू और डिटर्मिनेशन टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, फिर सेंस कंट्रोल, यस, फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अन अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सो इंद्रियों से जो सुख प्राप्त हो रहा है उसके प्रति उदासीनता, यह त्याग। नो फॉल्स ईगो, या शारीरिक रूप से सोचना नहीं कि मैं शरीर हूं और उस शरीर की उपाधियों से स्वयं को बहुत ज्यादा आत्मीय न होने देना। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, आसक्ति, अनभिस्वंग, पुत्र दार गृहादिशो, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, कर्तव्य है, करना है। असक्ति, अनभिस्वंग, अनभिस्वंग मीन्स अभिस्वंग मीन्स एंटैंगलमेंट, अनभिस्वंग मीन्स डिसएंटैंगलमेंट। सो हम अपने कर्तव्य कर रहे होंगे इस भौतिक जगत में, अपने परिवार के प्रति, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं, और कर्तव्य की दृष्टि से उसमें बहुत ज्यादा एंटैंगलमेंट नहीं। यस, आसक्ति, अनभिस्वंग, किसके प्रति? पुत्र, दारा, गृह आदि। ये पुत्र मीन्स बेटे बेटियां, दारा पत्नी, गृह, सो व्यक्ति इन सब चीजों में, सो फैमिली मेंबर्स, हाउस, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों में व्यक्ति क्या हो जाता है? अपने आप को बहुत ज्यादा एंगल्फ करके ले लेता है। सो इन सब के प्रति कर्तव्य भाव से अपना करना है, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं, उससे बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं। नित्यम च समचित्तम, चीजें आती रहेंगी, जाती भी रहेंगी, तो समचित्तम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, उपपत्ति, उपपत्ति मीन्स आते रहेंगे, इष्ट और अनिष्ट, इष्ट मीन्स व्हाट यू वांट, अनिष्ट मीन्स व्हाट यू डोंट वांट। सो आपको जो चाहिए नहीं चाहिए सब आते ही रहेंगे। यस, ये चीजें बहुत जरूरी है जानना। अनिष्ट आएगा तो इष्ट भी आएगा, आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा, आपको नहीं चाहिए वो भी मिलेगा। यस, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु बहुत ज्यादा आसक्ति और द्वेष नहीं। नित्यम च समचित्तम, मई च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारे, इस सब से निकलते हुए मेरे प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना। सो नित्यम च समचित, मई च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विवक्त देशे सेवितुम, अरक्तिर जन संसदी। सो मेरे प्रति अनन्य भक्ति और एकांत में केवल मुझ में अपने चित्त को समा करके रखने की दृढ़ इच्छा होना। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स टू मी इज लॉर्ड एंड लॉर्ड्स सेटिस्फैक्शन, ये जानना। अरतिर जन संपदि, जन संसदि, सो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रह करके पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रिकग्निशन, प्राइड, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, इसकी इच्छा न होना। सो अरतिर, अरति, रति मीन्स अटैचमेंट, अरतिर लोगों से वैलिडेट होने की, बहुत लोगों में प्रचलित और फेमस होने की इच्छा,
ये न रखना. दिस इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज. आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम. आध्यात्म से प्रेरित हो करके आध्यात्म में नित्य रह करके तत्व ज्ञान दर्शनम. डू नॉट सी वॉट इज बींग शोड टू यू, अंडरस्टैंड हाउ इट इज बींग शोड टू यू. लाइक हम फिल्म थिएटर में जाते हैं, वॉट इज शोन टू अस इज हीरो हीरोइन डांसिंग, सॉन्ग प्लेइंग, बट आर देर एक्चुअली हीरो हीरोइंस वहां पे? एक्चुअली हीरो हीरोइंस है नहीं, वो एक पर्दा है वहां पे, बस प्रोजेक्टर काम कर रहा है. सो तत्व ज्ञान मीन्स मुझे जो दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं है, वो बस प्रोजेक्शन है. और वो 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, बाहुबली खत्म हो जाएगी, मुझे उठ करके जाना पड़ेगा घर, ये जानना. उसी प्रकार से वो 3 घंटे में जैसे बाहुबली खत्म होती है, इस शरीर के 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, तो हम कितने भी बड़े बाहुबली हो हमको भी ये शरीर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा. यस. सो इसीलिए अरतिर जन संपत्ति और अनासक्ति. यस. तत्व ज्ञान दर्शन. डू नॉट सी द सॉन्ग दैट इज बीइंग प्लेड, अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई इट इज बीइंग प्लेड. सॉन्ग चल रहा है हमारे सामने, पति पत्नी बच्चे घर पैसे ये वो, ये सब चीजें चल रही हैं. क्यों चल रही हैं? हमारे कर्म. कब तक चलेंगी? जब तक ये शरीर रहेगा. उसके बाद क्या होगा? आप अपने रास्ते में, मेरे रास्ते. दिस इज तत्व ज्ञान. सो 20 एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज. सो ये हो गया ज्ञान. फिर ज्ञेय. यस. सो अब तक हमने 3 चीजों के बारे में देखा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान. यस. क्षेत्र देखा हमने 6 में, क्षेत्रज्ञ देखा हमने 7 में, और फिर ज्ञान देखा हमने 8-12. फिर ज्ञेयम, जानने योग्य चीज है. ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिम अपरम ब्रह्म न सत् असत् न सत् असत् उच्यते. यस. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जानने योग्य चीजें क्या है. ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जानने योग्य क्या है? यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसे जान करके तुम इस टेम्पररी मटीरियल नेचर और टेम्पररी एग्जिस्टेंस से बाहर निकल पाओगे. अनादिम. यस. अनादिम एंड परम. अनादिम तत् परम ब्रह्म. इस संपूर्ण जगत के आधार, विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड ब्रह्म. ब्रह्म मीन्स स्पिरिट. इसे जान करके इस जगत से आप बाहर निकल पाओगे. सो जानने योग्य चीज क्या है? ब्रह्म. उस ब्रह्म का साकार रूप है भगवान कृष्ण. सो जानने योग्य चीज क्या है? मैं. सो यहां 13th चैप्टर में भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, यह ब्रह्म या आत्मा. सो जानने योग्य क्या चीज है? ब्रह्म है या आत्मा है. इस शरीर के लिए जानने योग्य है आत्मा. संपूर्ण सृष्टि के अगर रूप से देखें तो जानने योग्य है भगवान या फिर ब्रह्म. Yes. उस ब्रह्म का साकार रूप भगवान कृष्ण. सो यहां इनडायरेक्टली बताया जा रहा है ब्रह्म के रूप में. 15th चैप्टर में भगवान डायरेक्टली बताएंगे. 15.15 कृष्णा डायरेक्टली से कि वेदों का जो मूल उद्देश्य है वो मुझे जानना है. तो 13.13 इनडायरेक्ट रेफरेंस. सो क्वालिटीज ऑफ सुपर सोल. यस. सो भगवान या परमात्मा के क्या लक्षण है, उनके क्या गुण है?
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमान् लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सो सर्वतः पाणिपादं ये शरीर है ये मेरा शरीर है ये लिमिटेड है मेरे लिए केवल मेरे दो हाथ और दो पैर हैं भगवान अनंत हैं इसलिए उनके शरीर में अनंत हाथ हैं अनंत पैर हैं सम सर्वतः पाणी पादम पाणी हाथ इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है चक्रपाणी मीन्स जो हाथों में चक्र लेकर के घूमते हैं सो चक्रपाणी सो सर्वतः पाणी पादम ये शरीर इतना सा है उसके लिए दो हाथ और दो पैर संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का शरीर है अनंत हाथ अनंत पैर इसका एक और मतलब भी है कि भगवान कण कण में विद्यमान है विच इज रेफर्ड टू इन ब्रह्म संहिता अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम सो अंडांतरस्थ refers to that Lord which has taken shelter or which is giving shelter to all the living entities in one Brahmanda, which refers to Garbhodakshayi Vishnu. So Garbhodakshayi Vishnu is what is Andantarastha. Harek Brahmanda ke andar jo Bhagavan hai, wo hai Garbhodakshayi Vishnu, Andantarastha. Aur baad mein, srushti honne ke baad, उस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं परमाणु चया अंतरस्थम और वो परमाणु चया अंतरस्थ विष्णु है परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु सो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम अक्षी आईज शिर सर मुखम मुंह So this is being referred to Brahma. Yes. हर जगह पर सर्वतः श्रुतिमान लोके हर जगह पर उनके कान है सर्व आवृत्य तिष्ठति वो हर जगह है तुम जैसे कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का इतना भाग ले रहा हूं जितना मेरा शरीर है और मेरी चेतना केवल इतने में ही है मुझे दो हाथ और दो पैर मिले हैं भगवान अनंत है उनका शरीर भी अनंत है अनंत हाथ अनंत पैर अनंत मुंह अनंत पेट और वो अनंत जगहों पे अनंत रूपों से विद्यमान है ऑल परवेडिंग सर्वेंद्रिय गुणाभासम सारे इंद्रियों के वो मूल स्रोत या उद्गम है सारी इंद्रियों के स्रोत होते हुए भी उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है सर्व इंद्रिय विवर्जितम So, सर्व इंद्रिय विवर्जितम इसे हमने मायावादी सेंस में अरे भगवान का कोई शरीर ही नहीं है ऐसा नहीं लेना चाहिए हमारा शरीर पंच महाभूतों से या भौतिक तत्वों से बना हुआ है भगवान जब आते हैं तो उनका शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बनता वो फिर भी आध्यात्मिक ही रहता है इसीलिए वो सर्व इंद्रिय विवर्जितम ही इज डिवॉइड ऑफ मटीरियल सेंसेस He has senses. He is devoid of material senses. He has spiritual senses. Asaktam sarva bhrit cha. Bhrit, bhrit means maintainer. So, sabhi jeevon ke wo palan karta hai. Lekin kisi bhi jeev ke prati asakti nahi rakhta. सब भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय मैं किसी से द्वेष नहीं करता कोई मेरे बहुत प्रिय नहीं है लेकिन उसी ब्रत में वो बोलते हैं ये भजंती तु माम भक्त्या मही ते तेषु चात्या जो भी मेरा भजन करता है उसके प्रति मैं विशेष इंक्लिनेशन रखता हूं ये भी उतना ही सत्य है सो असक्तम सर्वभृत चैव सारे जीवात्माओं के प्रति मैं आसक्ति नहीं रखता अनासक्त हूं उनसे और सर्वभृत मैं सबको मेंटेन करता हूं
निर्गुण गुण भोक्तृ च, मैं निर्गुण हूं. अगेन निर्गुण मीन्स विदाउट एनी मटीरियल सेंस. एंड ही इज द एंजॉयर ऑफ ऑल द सेंसेस. गुण भोक्तृ, मेरे अंदर कोई भी भौतिक गुण नहीं है, लेकिन सारे गुणों का, भौतिक गुणों का स्वामी मैं हूं. गुण भोक्तृ च बहिर अनंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयम् दूरस्थम अच अंतिके च तत्. सो बहिर अंतश्च भूतानां, मैं सभी जीवों के बाहर भी हूं अंदर भी हूं. बहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्ह मदिम शरणं प्रपद्ये. तो सभी जीवों के अंदर भी मैं हूं, बाहर भी मैं. अचरम चरम एव च, मैं हिलता भी हूं नहीं भी हिलता. सो मैं हिलता भी हूं मैं नहीं भी हिलता हूं. सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम्, मैं इतना सूक्ष्म हूं कि मैं प्रैक्टिकली अनोवेबल. यस, सो आप मुझे केवल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या वो गीगाट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे नहीं जान सकते, क्योंकि तत्व ही अलग है. यस, तत्व ही अलग है. इट इज लाइक आप माइक्रोस्कोप से, कितना ही अच्छा माइक्रोस्कोप, उससे आप सूर्य को नहीं देख सकते. गलत चीज पकड़ लिया आपने, आपको टेलीस्कोप पकड़ना चाहिए. और कितना ही बड़ा स्पेसिमेन क्यों ना हो, आप टेलीस्कोप से नहीं देख सकते. सिंपल माइक्रोस्कोप जो दिखाएगा वो भी डिटेल आपको टेलीस्कोप से नहीं दिखेगा. दोनों का कार्य और दोनों का हेतु ही अलग है. उसी प्रकार आप कितना ही अच्छा माइक्रोस्कोप बना लो, आप आत्मा को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आत्मा और शरीर या आत्मा या प्रकृति, माइक्रोस्कोप प्रकृति को देख सकता है, आत्मा को नहीं देख सकता. Yes. So, सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेय, आई एम सो सटल यू विल मिस मी. दूरस्थम च अंतिके च तत, मैं सबसे दूर हूं और सबसे पास भी हूं. सबसे दूर क्या, सबसे दूर हूं कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम वायु रथापि मनोसमुद्र कुंडमान. मैं गोलोक वृंदावन में रहता, इतना दूर हूं, लेकिन अंतिके च तत, मैं सबसे पास में भी हूं. कितना पास हूं, मैं हृदय के अंदर ही बैठा हुआ हूं. यस, दैट इज द आयरनी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस. हमारी आंखें, आंखें सब चीज देख सकती है लेकिन पुतलियों को नहीं देख सकती. पुतलियां तो आंखों के सबसे पास है. आंख पुतलियों के ऊपर जो बाल हैं वो हमारे सबसे पास है, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते. हम दूर चीजों को देख सकते हैं. जैसे हिंदी में वो कहावत है, दिए तले अंधेरा. दिया होगा उसके बराबर नीचे अंधेरा होगा, बाकी सब जगह प्रकाश होगा उस दिए का, लेकिन उसके नीचे अंधेरा ही होगा. वैसे ही भगवान यहां पर रह करके हमें चलायमान कर रहे हैं, हमें चेतना दे रहे हैं, लेकिन वो इतने पास हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते. भूत भृत च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च. वो ब्रह्म है या वो परमात्मा क्या है, भूत भृत सारे जीवों को मेंटेन करने वाले हैं. भूत भृत च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु, सभी जीवों को निगलने वाले, उनका कार्य समाप्त करने वाले प्रभु विष्णु. प्रभु विष्णु यानी उनके स्रोत. सो सृष्टि स्थिति और प्रलय, ये तीनों भगवान से आते. ज्योतिषाम ज्योतिष तमसः परम उच्यते, सारे ज्योतिषों का मैं ज्योति हूं. एवरीथिंग रेडियंट गेट्स रेडियंस बिकॉज ऑफ मी. सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे इन सब का जो प्रकाश है वो मुझसे आता है. यहां पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी डिफर करते हैं. साइंस कहता है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहा है. स्पिरिचुअलिटी कहती है, यहां पर हम देख रहे हैं,
कि चाहे चंद्रमा हो या सूर्य हो, दोनों मेरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, भगवान कहते हैं। साइंस कहता है चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, भगवान यहां भगवत गीता में कहते हैं सूर्य हो चंद्र हो सारे तारे हो सभी मेरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, भगवान कहते हैं वही सुपर सोल, वही परमात्मा है जो ज्ञान है, जानने योग्य है। और जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद फाइनली पहुंचना हमारे परम गंतव्य कौन है, भगवान ही। और वो हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी के हृदय में वो वास कर रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट 15.15, ये हम देख रहे थे 13.14-18। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट रेफरेंस है। इनडायरेक्ट रेफरेंस कहाँ है, 13.13 ब्रह्म, दिस इनडायरेक्ट रेफरेंस टू सेल्फ। यहाँ पर भी हम देखते हैं 13.18 हृदय सर्वस्य विष्ठितम, इनडायरेक्ट रेफरेंस टू सेल्फ। लेकिन 15.15 में भगवान डायरेक्ट करेंगे, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। सो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, Is this okay till now? Are you able to understand? Chat box या फिर yes or no? Yes, Prabhuji. Is it okay? Yes, yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. थैंक यू। सो हमें क्या चाहिए? अगर ये सब हम समझना चाहते हैं, भगवान क्लियरली कहते हैं आपको मेरा भक्त बनना पड़ेगा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावो उपपद्यते। ये क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय ये सब कौन समझ सकता है? केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है। और जब मेरा भक्त इन चीजों को समझ जाएगा तब वो मेरे सृष्टि को मेरे भाव को प्राप्त करेगा। सो ये ज्ञान क्यों आवश्यक है? ये ज्ञान हमें भगवान के पास लेके जाएगा। यस, मद भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त ये सब जान करके मद भावो उपपद्यते, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। सो 22-26। So, अब तक हमने देखा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। अब 22-26 प्रकृति और पुरुष। यस, सो सिक्स थिंग्स, अर्जुन के 6 प्रश्न थे, उनमें से 4 आंसर हो गए, अब 2 बचे, प्रकृति पुरुष। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानपि उभावति उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, विद्धि अनादिम उभावपि, उभावपि दोनों को, प्रकृति को भी और पुरुष को भी। Yes. दोनों को क्या समझना चाहिए? अनादि, they have been existing since time immemorial। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि अनंत काल से विद्यमान है। प्रकृति बनती बिगड़ती रहती है, पुरुष बनता और बिगड़ता नहीं है, बस इतना ही है। Yes. जैसे रेगिस्तान में रेत के टीले बनते बिगड़ते रहते हैं, जैसे हवा बहेगी एक टीला होगा, फिर वो बहेगा दूसरा बन जाएगा, वो बहेगा तीसरा बन जाएगा, ये प्रकृति है। लेकिन रेत हमेशा ही है, टीले हमेशा ही है, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। Yes. लेकिन भगवान बनते बिगड़ते नहीं रहते। सो पत्थरों से बने हुए पहाड़,
और रेत के बने हुए टीले। सो पत्थरों से बने हुए पहाड़, वो कभी बनते बिगड़ते नहीं है, वो वैसे ही है, हिमालय वैसे ही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही है। सो वो अविकारी है, लेकिन रेत के टीले वो विकारी है। सो विकारी अविकारी। सो नॉर्मल हम ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं देख सकते हैं, जो भी कोंकण गोवा महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में है। सो जो आप पहाड़ देखते हैं वो बनते बिगड़ते नहीं है, वो वैसे ही है। सो उनकी कल्पना भगवान से कीजिए। और रेती में जो रेत के टीले बनते बिगड़ते रहते हैं वो प्रकृति है। सो दोनों ही अनादि अनंत है। यहां पर भी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, तब से है। राजस्थान में भी रेती कब से, कब से, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन चेंज होता रहता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। सो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु कही जाती है। भौतिक रूप से कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, प्रकृति है। इसलिए इंद्रिया मन, इंद्रिय विषय इच्छा और इंद्रिय विषय तक, ये है प्रकृति। सो टेक सिक्स इज प्रकृति। सो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि, दोनों ही अनादि है। और विकार गुणों से प्रकृति अफेक्ट होती रहती है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। सो कार्य और कारण जो है वो प्रकृति है, उसका हेतु क्या है, प्रकृति है। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे, इस शरीर में सुखों और दुखों का भोग आत्मा कर रही है। अल्टीमेटली आत्मा भोग कर रही है, क्योंकि आत्मा को भगवान के पास जाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इस भौतिक प्रकृति में अटकी हुई है। सो पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे, अल्टीमेटली इट इज लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था और एक मैनेजर को उस कॉन्ट्रैक्ट को डी कॉन्ट्रैक्ट की डील फाइनलाइज करने के लिए भेजा गया। सो अब वो मैनेजर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट डील क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन अल्टीमेटली लॉस तो कंपनी के मालिक का ही हुआ ना। परफॉर्म नहीं किया मैनेजर ने ठीक से, लेकिन लॉस अल्टीमेटली कंपनी के मालिक का हुआ है। यस। सो पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे, शरीर को सुख दुख मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका भोग तो आत्मा ही कर रही है, क्योंकि आत्मा को यह शरीर छोड़ करके भगवान के पास जाने को नहीं मिल रहा। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सद असद योनि जन्मसु। सो पुरुष प्रकृतिस्थो ही, ये जो आत्मा है ये इस प्रकृति में रह करके प्रकृतिर्जान गुणान भुंते, प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती रहती है। और प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के कार्य करती है, और उस कार्य के कारण गुण संगस्य सद असद योनि, अच्छे या बुरे योनियों को प्राप्त करती है। सद योनिया यानी कम से कम मनुष्य, मनुष्य के ऊपर देवता गंधर्व यक्ष किन्नर चारण, ये सब सद योनिया है। असत योनिया यानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जीव या फिर जलचर्य असद योनिया है। सद असद योनि, ऊपर या नीचे, कम दुख या ज्यादा दुख, बेटर लाइफ और वर्स लाइफ, ये सब कैसे होता है, कारणम गुण संगस्य, गुणों के संग के कारण। सो गुण और प्रकृति, प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये जो श्लोक है वो इस 13.22 का कॉरोलरी है।
कारणम गुण संगस्य सद योनि जन्म से। सो जीव कर्म करता है, एक्चुअली चेतना कार्य करवा रही है प्रकृति के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली भोगना जीव को पड़ता ही है इस तरीके से। सो फिर भगवान क्या कर रहे हैं इस सब में, यहां पे हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ सुपर सोल। भगवान क्या कर रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता भरता भुक्ता महेश्वर। सो कृष्णा डज फाइव थिंग्स और परमात्मा हैज फाइव फंक्शंस इन द बॉडी। उपद्रष्टा इज द ओवरसीयर, जीव क्या कर रहा है। अनुमंता अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों के कारण भगवान अनुमति देते हैं प्रकृति को कि ठीक है इसकी ये इच्छाएं हैं, लेट देम गेट फुलफिल्ड। सो उपद्रष्टा अनुमंता और फिर भरता, भरता इज मेंटेनेंस। सो भगवान दे रहे हैं सब कुछ और भोक्ता हम जो कुछ भी कर रहे हैं करते हैं उसका फाइनल जो एंजॉयमेंट है वो भगवान को ही मिलता है। भरता भोक्ता महेश्वर इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन और ऐसे उस परम पुरुष को परमात्मेति चापि युक्त, उसे परमात्मा कहा गया है। सो ब्रह्म हमने देखा दो प्रकार के हैं, एक तो सोल और एक सुपर सोल या क्षेत्रज्ञ, दो प्रकार के हैं सोल और सुपर सोल। सोल इज आत्मा और सुपर सोल इज परमात्मा। परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। सो देहे अस्मिन् इस देह में परः पुरुषः, पुरुषः परः। सो देयर इज वन पुरुष इन दिस देह दैट इज आत्मा एंड पर पुरुष इन दिस देह इज परमात्मा। यस। सो अगर कोई इस ज्ञान को अच्छी भली भांति जानता है, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। यस। अगर कोई इस ज्ञान को, इस चीज को जान लेगा, anyone who happens to know matter, spirit and controller of both, he will never take birth in this material world again. वो फिर से जीव इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, वो मेरी उपासना करके मेरे भाव को प्राप्त करेगा। इसीलिए इनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। सो लोग उस परमात्मा के पास कैसे जाना चाहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान करके, कुछ लोग सांख्य योग से, कुछ लोग कर्म योग से इस परमात्मा को जानने का प्रयास करें। सो जितनी योग पद्धतियां हैं, ये सब टेक्स्ट 3 चैप्टर 3 कर्म योग, चैप्टर 4 ज्ञान योग, चैप्टर 6 ध्यान योग। सो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति रेफर्स टू चैप्टर 6, सांख्येन योगेन चैप्टर 4, कर्म योगेन चैप्टर 3, अन्ये तु अवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेभि चातिरन्त्येत मृत्यु श्रुति परायणाः। कुछ लोग सुन करके, श्रवण के माध्यम से इस परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, उनमें से हम भी। सो वैदिक लाइफस्टाइल मींस हम सुनते हैं भगवान के बारे में। अभी जैसे ही गीता अध्ययन चल रहा है, सो हम सुन रहे हैं परमात्मा के बारे में, ज्ञान अर्जित करते हैं। यस। उस ज्ञान से फिर उपयुक्त होकर के उनकी उपासना करते हैं और अंत में भगवत धाम वापस जाते। तेपी चाति तरन्येव, तेपी च तरन्ति अन्येव मृत्युम श्रुति परायणा, उस मृत्यु को पार करके वो चले जाते हैं। Yes. And then finally Krishna will revisit everything that he has said till now. Yavat sanjayate kinchit sattvam sthavar jangamam kshetra kshetrajnayor gatat tad vidhi bharatarshavam. Yes. So yavat sanjayate kinchit. Yes. Jo kuch bhi sanjayate, jo kuch bhi dikh raha hai tumhe yahan pe,
स्थावर हो जंगम हो, स्थावर मीन्स स्टेशनरी, जंगम मीन्स मूवेबल, मूवेबल नॉन मूवेबल जो कुछ भी हो, ये सब कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इट इज ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। सो आप कहेंगे कि अरे तो ये मूविंग है, इसके अंदर ये मैटर है, अंदर स्पिरिट है, हम आत्मा है। जो नॉन मूविंग है, ये सब जो पीछे दरवाजा दिख रहा है, वुड दिख रहा है या फिर दीवार दिख रही है, इस सब में कहां स्पिरिट है? कौन बताएगा? Who will tell? Let us open it up. कौन बताएगा? ये इसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर आत्मा किधर है? निर्जीव वस्तु में क्षेत्रज्ञ कौन है? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, कहना है? यस प्रभु जी, आपने एक बार बीच में बताया था, बेसिस ऑन दैट आई एम ट्राइंग टू आंसर, कि इसमें भी परमात्मा रहते हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच इट गेट्स अ शेप। यस करेक्ट परफेक्ट, एकदम स्पॉट ऑन। सो हमने देखा कि क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक तो आत्मा और परमात्मा। तो मूविंग और नॉन मूविंग में, अब जैसे पेड़ भी नॉन मूविंग है लेकिन उनके अंदर आत्मा है, yes. तो दो क्षेत्रज्ञ है, एक तो आत्मा दूसरा परमात्मा। ये जो नॉन मूविंग है, नॉन लिविंग है, उनके अंदर आत्मा नहीं है लेकिन परमात्मा है। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम, कृष्णा हैज एंटर्ड इनटू एवरी एटम। यस, सो जो कुछ भी दिख रहा है वो प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इनका जोड़ है। लिविंग एंटिटीज में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा तीनों हैं। नॉन लिविंग चीजों में प्रकृति है, परमात्मा है, आत्मा नहीं है। यस परफेक्ट परफेक्ट यस। बाकी के सब डिवोटीज पैसिव डिवोटीज हैं क्या? हरे कृष्णा श्यामजी, बहुत धन्यवाद प्रणाम। यस थैंक यू ब्रो, बहुत बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम हैं और बाकी सब अपना अपना काम करते 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 सुन रहे। मुझे पूछना था, जैसे अभी ये जो लाइक सर्टन वुड वगैरह एक्सपांड वो ड्यूरिंग विंटर दे गेट एक्सपांडेड, दिस इज द प्रूफ प्रभु लाइक परमात्मा'स प्रेजेंस है? नो, ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन ये सब ओनली द सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब लिविंग में ही है, नॉन लिविंग में नहीं है। वो तो वुड और वाटर का इंटरमिंगलिंग प्रोसेस है कि वो बढ़ जाता है, दैट्स इट। दिस शुड नॉट बी टेकन टू बी उसके अंदर परमात्मा है, ऐसा नहीं होता। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो फॉर द क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो मच। सो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व अविनश्यंतम सह यह पश्यति स पश्यति। सो परमात्मा सारे जीवों में विद्यमान है, ये सब कुछ विनाश हो जाएगा तो भी परमात्मा का विनाश नहीं होगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर, यस भगवान सभी जीवों में विद्यमान है। यस, और जब जीव चले जाएंगे, सृष्टि का अंत हो जाएगा, तब भी भगवान का अंत नहीं होगा। वो ये जो जानता है वो चीजों को सही रूप से जानता है। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मात्मानम ततो याति परांगते। यस, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता।
इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। सो भगवान को जहां हर कोई देखता है, सो दिस श्लोका सेज कि भगवान हमेशा हर जगह रहेंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी भगवान नष्ट नहीं होंगे। इस अविनाशी अनष्ट होने वाले भगवान को जो व्यक्ति अपने चेतना से देखने का प्रयास करता है वो कभी उनको भूलता नहीं है। एंड दैट एग्जैक्टली इज योग। एंड बिकॉज ही इज इन योग ततो याति परागतिम, ही गेट्स ट्रांसेंडेंटल गति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के द्वारा, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में दिखता है वो अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, ये जो देखता है तथा आत्मानी अकर्तारम स पश्यति, वो देखता है कि एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति करवा रही है सब कुछ। yes. करवा रही है प्रकृति। yes. हमारे और आपके कर्मों के अनुसार हमें लगता है हम कर रहे हैं, इसलिए जो वस्तुतः चीजों को जानता है वो इच्छा द्वेष मान अपमान इन सारे द्वंद्वों से ऊपर निकलता है। सो जिसने भी ये समझ लिया 13.30 सही रूप है, ही विल हैव नो क्वाल्म्स इन लाइफ। जीवन में बहुत ज्यादा, जीवन उसे बहुत ज्यादा सताएगा नहीं। व्हाट डज दैट मीन? इट डजंट मीन कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, उन परिस्थितियों से वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। सो यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। सो एक सही में जीव जो भगवान से तादात्म्य रखता है, जो सही में चीजों को वस्तुतः जानता है, वो देखेगा कि हर जगह पर भगवान विद्यमान है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। yes. जीव अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग हैं, योनियां अलग अलग हैं, लेकिन उनमें विद्यमान भगवान एकस्थम अनुपश्यति, भगवान एक ही है। तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते, उनका ही विस्तार है ये ब्रह्म। yes. उस ब्रह्म में ही सब कुछ आ रहा है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद करता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। yes. यथा भूत पृथक भाव, जीव अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग हैं, योनियां अलग अलग हैं, लेकिन उनमें विद्यमान भगवान एक ही है। Yes. उनमें विद्यमान आत्मा एक नहीं है। yes. मायावादीज इंटरप्रेट दिस एज एकस्थम अनुपश्यति, एक ही भगवान हर जगह पे विद्यमान है, ऐसा नहीं है। हर कोई जीव एक ही है अल्टीमेटली। yes. ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य, नहीं ये सही नहीं है। यथा भूत पृथक भाव, जीव अलग अलग है लेकिन भगवान उसमें एकस्थम अनुपश्यति, भगवान ही उसमें एक ही है। हर जगह पे भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव में विद्यमान है। That doesn't mean that all jivas are one. If all jivas were one, Krishna would not have said here भूत पृथक भाव। पृथक भाव means separate. So जीव separate है, उनमें स्थित परमात्मा एक ही है। Then he knows things actually. Yes. So anadityat nirgunatvat mat parayanam atmam mat paramatma atma avyayah sharirasthopi kaunteya na karopi na lipyate. So anadityat, jeev kaisa hai, brahma kaisa hai, anadi nirguna,
परमात्मा अव्यय. सो परमात्मा अव्यय है, अनादि है और निर्गुण है. शरीरस्थो भी, वो शरीर में विद्यमान है. न करोपि न लिपे, ही डजंट एक्ट. भगवान शरीर में एक्ट नहीं करते, वो केवल उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर है. यस, सो ये परमात्मा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर है. यस, द एक्टिविटीज ऑफ परमात्मा. So he is there, but he doesn't do. The soul is non-doer. Yes. Yatha sarvagatam shomyat akasham na upalipyate sarvatravastito dehe tathatma na upalipyate. Yes. Yatha sarvagatam saukshmyat akasham na upalipyate. Akash sabse sukshma hai. आकाश सर्वव्यापी है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं सकते. उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थितो देहे तथापि आत्मा न उपलिप्यते. आत्मा शरीर में सर्वत्र वास करती है लेकिन दिखती नहीं है. आकाश को हम पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते. अब वायु है, वायु बह रही है, समझ में आती है, उसका एक सेंस है, टच है. आकाश का कोई सेंस ऑफ टच नहीं है. सो आकाश को हम पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते आकाश. आकाश हर जगह है. वैसे ही आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो हर जगह विद्यमान है, पॉइंट आउट करके नहीं बता. ये देखो आत्मा. जस्ट फॉर आवर रेफरेंस भगवान ने कहा है कि हृदेश अर्जुन तृष्टति, लेकिन उसका प्रकाश चेतना के माध्यम से या चेतना के रूप में हर जगह पहुंचता है. यथा प्रकाशति एकम कृत्स्नम लोकम एवं रवि क्षेत्रम क्षेत्री चत कृत्स्नम प्रकाशयति. एक जगह पे सूर्य रह करके संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित करता है, वैसे आत्मा एक जगह रह करके संपूर्ण शरीर को प्रज्वलित करती है. सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम. So, जो कोई भी ये ज्ञान जान लेगा परम गति को प्राप्त करेगा. A little technical, but I hope we were able to cover it up. I am sorry to go 15 minutes beyond. Any questions, any queries? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद. बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी. बस बीच में मुझे एक डाउट आया, जब आप कह रहे थे कि प्रकृति को अनादि कहा गया है, मतलब उसका वो कभी क्रिएट नहीं हुई थी, इट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मतलब प्रभु जी वो एकदम शुरुआत में कहते हैं ना कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम ब्रह्मांड वगैरह कुछ नहीं था और हमें एंजॉय करना था, इसलिए भगवान ने हमारे लिए पृथ्वी क्रिएट की थी. तो उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ प्रभु जी. हरे कृष्णा. सी, ब्रह्मा जी भी कोटि कोटि ब्रह्मा जी आए हैं और कोटि कोटि ब्रह्मा जी चले गए. उस समय भी प्रकृति थी. वही मैं कहता हूं कि प्रकृति बनती बिगड़ती रहती है. ब्रह्मा जी जब उनका ये चला जाएगा, क्या उनका शरीर जब चला जाएगा, वो मृत्यु को जब प्राप्त होंगे, तब ये जो प्रकृति या ये जो मैनिफेस्टेशन है वो निकल जाएगा. लेकिन इसका मतलब प्रकृति समाप्त हुई ऐसा नहीं है, वो कार्यान्वित नहीं है. यस, लाइक फॉर एग्जांपल, और ये देखिए ये वॉच. अब ये वॉच जो है, इसके अंदर का सेल चला गया तो ये टिक टिक करना बंद कर देगा. इसका मतलब वॉच गई ऐसा नहीं है, उसके अंदर नया सेल डालिए फिर से टिक टिक शुरू हो जाएगा. वैसे ही प्रकृति, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तब, और ब्रह्मा जी का जब आयु खत्म हो जाता है तब, प्रकृति हरी बोल, सुनाई दे रहा है?
हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ। सो प्रकृति जब कार्य करती है, जब वो मिट भी जाती है, तब भी वो है, वो बस दिख नहीं रही, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। जैसे मैं रात को सो जाता हूं, मैं कार्य नहीं कर रहा, तो मैं सो गया मतलब मैं मर नहीं गया। मरने में और सोने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सो गया मतलब मैं मर नहीं गया। वैसे ही प्रकृति, ब्रह्मा जी जब खत्म हो जाएंगे, प्रकृति महाविष्णु की गोद में, महाविष्णु के उदर में चली जाएगी, अनमैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी। Does it make sense? हाँ प्रभु जी, अंडरस्टैंड। प्रभु जी, कैन वी से कि प्रकृति इज महामाया, दुर्गा माता? प्रकृति इज महामाया, यस, प्रकृति इज महामाया। थैंक यू प्रभु जी। प्रकृति इज महामाया। और किसी को कोई प्रश्न है, टिका है, टिप्पणी है? सो ये आगे आने वाले सेशंस जो हैं वो टेक्निकल होंगे, ये तो फिर भी ठीक है, आगे आने वाले सेशंस अच्छे से टेक्निकल होंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड प्लीज बी इंटरैक्टिव, यस। सो दैट वुड मेक द बेस्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।